अच्छा बिरहा प्रेमी साथियों, मैं नन्हे यादव जौनपुरी, बड़े भाई सतीश राय की देखरेख में ये जो कैसेट आध्यात्मिक गीत आप लोगों के बीच जा रही है, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का इसमें प्यार मिलेगा। हमारे सहयोगी साथी में हारमोनियम पर बड़े भाई रमाशंकर, ढोल पर प्रमोद कुमार, झीका पर श्रवण कुमार, करताल पर भाई डीआर और झाल पर जोड़ी पर भाई महेंद्र कुमार, ई लोगन के सहयोग से आप लोगन के बीच जवनी आध्यात्मिक बिरहा प्रस्तुत बा। जोनी बिरहा का शीर्षक बा होनी मास्टर चार लाइन भूमिका बा लाल। की विधाता का कर विघ्न सर पर है साथी, ढहाता अगर वो ही जन परी कार है तो गुजारा कवल जग में उसका करेगा। मालिक की सर पे तिरछी नजर है, समय साथ देता तो विद्वान बनते, कहता कि हमने किया ये सभी, अगर साथ मालिक का पल भर भी छूटे तो दुनिया में उसका न कोई कभी। ए बाबू, चार लाइन भूमिका में कवि जी ने लिखा है कि विधाता का अगर विघ्न सर पर है साथी, ढहाता अगर वो ही जन पर कहर है तो गुजारा कवन जग में उसका करेगा, यदि मालिक की ही सर पे तिरछी नजर है। समय साथ देता तो विद्वान बनते, और कहते कि हमने किया ये सभी, अगर साथ मालिक का पल भर भी छूटे तो दुनिया में उसका न कोई कभी। बा यहीं से गजल के लाइन का शुरुआत बा, मास्टर गजल कवन बा। कि मेरे खून दिल की मेहदी, बा मास्टर वह लाइन बजत हुआ कोनो प्रेमी के मन का फरियाद बा, कहत बा का कहत बा, कि मेरे खून दिल की मेहदी हाथों में ना लगा लावे, मेरे खून जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाया बजाना रे, जब निकले अच्छी लाइन कवि जी बिरहा के लाइन में लिखलन का कि आज जो समय जा रहा है फिर वापस नहीं आएगा। बाबू
बड़ी ऊंच बात लिखलन कि गुजरावा हुआ जमाना, गुजरावा हुआ जमाना, आता नहीं दोबारा में गुजरा। बिगड़े कर्म का साथी, बिगड़े कर्म का साथी, कोई नहीं सहारा रे बिगड़े, यही से कहानी का शुरुआत हो गई। ये कहानी कैसन बा बाबू, कहानी कहाँ गबा, बात आध्यात्मिक मिली मास्टर नज्म का लाइन बा। नशा के चक्कर में विवेक नष्ट होता है, धन या स्वास्थ्य भी दुनिया में भ्रष्ट होता है। कवनो गांव में एक चाटू नशेड़ी रहल है, कवनो गांव में एक चाटू नशेड़ी रहल है, नशा यही थी बाबू वो तगजेड़ी रहल है। यही कारण, यही कारण रहा परिवार में विवाद हुआ, छोड़ घर बार चाटू स्वतः से आजाद हुआ। नशा सतवले बाट घूम हर दुवरिया हो, नशा सतवले बाट घूम हर दुवरिया हो, कतौ न मिले बाबू पिए बिल लुअरिया हो। ए बाबू बात के समझी, कहानी समझ में आई। एक गांव में चाटू नाम का एक नशेड़ी था, नशा यही करता था कि वो गांजा पीता था। एक दिन चाटू की औरत कहलिन कि कहो हे तू ऐसे गांजा पीबा तो घर परिवार बर्बाद होई। बात ही बात में इतना भयंकर विवाद हो गई बाबू कि चाटू घर द्वार छोड़ के चल दिलन। चाटू के जेबा में खाली है गांजा का चीलम बा, गांजा का पुड़िया और गांजा का पुड़िया बा, माचिस ना बा। जब चाटू के नशा सतौले बा, सोचे कि कहां एकदम मार ले, जुगाड़ ना मिलत बा। आखिर चाटू घूमते घूमते एक बाजार में जाके कहलन कि हे भैया हमें माचिस दे दा। लोग कहे कि भैया आगे जा, गांजा पिए बिन माचिस न मिली। ए बाबू एक ठिकाल के दुकान पे जहां लकड़ी का भंडार बा, वहीं पहुंचलन और विश्वकर्मा जी से कहलन कि ये विश्वकर्मा जी हमके रच का एक माचिस दे देता। कहलन का करबा भैया, कहलन गांजा पियब। विश्वकर्मा जी कहलन का गीत का लाइन बा मास्टर, देखा मास्टर यहाँ हुआ गीत बजावत हुआ
कौनो लड़का बम्बई शहर जाए वाला बाप, ओकर दादा बाबा सबही समझावत हुवन कि ए बेटा मुनवा बम्बई माती जो लइता हो जइबे रे माटी, मुनवा बम्बई माती समय चटू कहलन कि दादा हमें सलाई दे दा, विश्वकर्मा जी कहलन कि ए बेटा का कहलन अब ही धीरज धारा ए चाटू, अब ही धीरज धारा ए चाटू आगी हवा लागी, अब ही धीरज धारा विश्वकर्मा जी कहलन कि बेटा अब हाँ एक घंटा बाद ये हमार जवन लकड़ी का टाल देखा था यही में आग लगी, और जितना तुम्हें तो गाजा पिए के हो बेटा पी लिहा। चाटू कहलन कि दादा अगर माचिस ना दे के बाद हमार मजाक मतला, लेकिन कहलन ना बेटा तू इंतजार करा एक घंटा के बाद तुम्हें तो आराम से आगे मिल जाई। चाटू भी नशेड़ी आदमी वहीं बैठ जाता है। धीरे धीरे बाबू जब एक घंटा बीतल बत भई का धीरे धीरे निकल लगल टाल से लवहरिया, चट्टू ही बैठल हुए घंटे बीतल बा तब तक टाल में आग लग गई। आज जब आग लगी तो चट्टू के आग बुतावे का ख्याल ना बा, पहले कोने से आग लेके गाजा चिलम चढ़ा के जब दू दम मरलन, आज जब नशा में अंधा हुए तो जाके भी सुकर्मा जी से कहलन कि कहो भी सुकर्मा जी आपके ही मालूम रहल कि हमारे लकड़ी के टाल में आग लगी और एक घंटा पहले मालूम रहल, आप फायर ब्रिगेड बुलवा लिए होते। अरे बाजार और टोला मोहल्ला के लोगन से कह सुन के कुछ पानी का जुगाड़ कर लिए होते। विश्वकर्मा जी कहलन बेटा ये हमारी बस का ना बा, लेकिन चाटू कहत हुए समझावत हुए विश्वकर्मा जी के का गीत का लाइन बहु है गीत बा वह गीत बा रतिया बलमुआ दिहले गारी, रतिया बलमुआ दिहले गारी तरकारी बिना, रतिया बलमुआ दिहले गारी
देखा तनी पिठिया उधारी तरकारी बिना, देखा तनी पिठिया उधारी लेकिन बाबू चाटू कहलन कि कहो दादा जब आप एक घंटा पहले जानत रहला कि हमारे टाल में आग लगी काहे न कैला तैयारी तनि सुनी दादा काहे न कैला तैयारी विश्वकर्मा जी से चटू कहलन कि जब एक घंटा पहले आप जानत रहला तो काहे तैयारी नहीं किए आप बतावे लगलन कि बेटा एकरा के भेद हमारे गुरु जी बताई है हो होनी हो नहार के हूँ रोक नहीं पाई है हो गुरुजी के घरावा दुआरी गुरुजी के घरावा दुआरी ना दादा गुरुजी के घरावा दुआरी तनी सुना दादा जब कहे कि आखिर दादा आप क्यों तैयारी नहीं किए कालन की बेटा चाटू एकर भेद हमारे एक ठीक गुरु हुवन वो नहीं बता पाई है हमारी बस का बात ना बा कालन तोरे गुरु का घर कहाँ है जब सारा पता बता दिए विश्वकर्मा जी चाटू बाबू चल देता है गुरु जी के पास लेकिन ओकरी पहले में एक बात विश्वकर्मा जी और बतौलन का बतौलन बिराज गत में टेरी बा मास्टर यह कहलन कि होनी के केहू ना रोकी बचवा अरे होनी के केहू ना रोकी होनी के केहू ना रोकी बचवा हम के बल पर दुनिया के तना ताकत झोंकी बताए कि बेटा यह हम के बल पे दुनिया के तना ताकत झोंकी होनी के केहू न रोकी बचवा जो होने वाला है बेटा उसे कोई रोक नहीं सकता रही बात गुरुजी के पता का तब बेटा तू चल जा हमरे गुरु जी का नाम जगदल गुरु है फला फला स्थान पर रहलन वहीं चले जाओ बेटा विदेशिया कलाइन बा मास्टर कि जगदल गुरु नाम जाई के प्रणाम कैले कुछ पलिया रामा कैले कवनो घटना घटी गई गुरु के भावना चाटू जगदल गुरु के पास आ जाते हैं देखलन
पूछलन कि आप ही का नाम जगदल गुरु हा? कलन कि हाँ बेटा, कहें हम आपके एक ठुचेला हमें भेजले हुअन। ई बतावें गुरु जी, ई आप का करत हुआ? कलन कि बेटा, ई हम टिकठी बनावत हैं। कलन कि गुरु जी, लगत हो कि आपके घरे कोनो घटना हो गई बा का? गुरु जी कहलन कि बेटा, घटना तो नहीं हुई है, लेकिन घटना होने वाली है। कहलन कि घटना होने वाली है, तो अब यहीं से काहे बनावत हुआ? कहाँ बेटा, आखिर उसे बनाना तो है ही, तो क्यों ना पहले ही बना लूं। कहलन गुरु जी, घटनवा का होई? कहलन बेटा, घटना जाना चाहो तो जान ला। गुरु समझावा लगा, ये बाबू घटना बतावा लगा ला। मारी दे यहां साड़ी जइहा लाल कै पारा ना। गुरु बताने लगे कि ये बेटा, हमार लड़का यही गौवा में से, यही कोलिया में, यही गलियवा में से आई। 3 घंटा बाद यही दूठे साड़ लड़ी हैं, और जौनी समय हमार लड़कवा आई, एक साड़ घूम के हमारे लड़का के मार दी। आज हमारे लड़कवा के मारी तो हमारे लड़का का मौत हुई। हम सोचा बेटा, आखिर टिकठिया बनावे के पड़ी, पहले ही बना ले। चहटू मन मन सोचत हुआ, उनके तो 1 घंटा पहले मालूम रहल, और इन्हें 3 घंटा पहले मालूम बा। कहे गुरु जी, एक काम कह देता, जाई के बताई दे जाते। गुरु तुहरे लाल के पाला ना, कहा कि गुरु जी, आखिर आप 3 घंटा ही टिकठी बनवा? अरे जाके अपने लइकवा के बता दा कि बेटा दूसरे रास्ते से आओ। जगदल गुरु कहलन कि हमारी बस का बात ना बा। बेटा, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। ए बाबू, धीरे धीरे 3 घंटा का समय बीतल बा, तब तक वो लड़का वही गली में पहुंचल बा, और 2 ठे साड़ लड़लन। और जब लड़े तो 1 साड़ घूम के जगदल गुरु के लड़का के मार दिहलस। आज मार दिहलस, जगदल गुरु का लड़का खत्म हो गई। क्रियाकर्म के लिए जब टिकठी लाई गई, बांधते हैं, उही समय चाटू पूछलन कि कहो गुरु जी, आपको 3 घंटा पहले मालूम रहल, आपने उपाय क्यों नहीं किया? जगदल गुरु कहलन कि बेटा, अगर एकर उपाय जाना चाहत हुआ तो जान ला। एकर उपाय हमारे ठी गुरु हुआन, उनकर नाम परमानंद हो। उन्हीं एकर भेद बताई है कि आखिर हमने पहले से तैयारी क्यों नहीं किया। मास्टर गीत का लाइन बा, कवन गीत बा? जहिया से चाल गईला, जहिया से चाल गईला छोड़ के हम के, जहिया से चाल गईला छोड़ के हम के,
सहिया से चाल गईलो छोड़ के हमके जिंदगी भईली सुनसान हो जाए चंदा ले आव खबरिया जाए चंदा ले आव खबरिया कैसे कबाणी मोरी जान हो के लाइन से कवि जी बिरहा में सुंदर बात लिखलन। आज जगदल गुरु बतावत हुवन के बेटा हमरे गुरु जी तोहरी शंका का समाधान कह दे। हम बोले गुरु जगदल, बोले गुरु जगदल सुन बेटा चाहू हो जाए बेटा गुरुजी बताई हैं जाए बेटा गुरुजी बताई हैं शंका के होई समाधान हो जगदल का बात सुन के चटू चल देते हैं। अब पहुंचलन कहां चली भाई चटू परमानंद जी के कुटिया चली भाई गुरुवर जी पीसत रहले जड़ी और बुटिया गुरुवर जी पीसत रहले जड़ी और बुटिया आवा बेटा चाटू थकल हार लैला चाहू थकल हार लैला सोच कैसे कैले जवान हो जाए बेटा गुरुजी बताई हैं जाए बेटा गुरुजी बताई हैं शंका का होई समाधान हो चाटू परमानंद गुरु के पास पहुंचते हैं। हे बाबू एकाएक कलन किए बेटा चाटू आवा आवा तू थकल हारल पहुंचल हुआ पहले पानी पिया बेटा पानी उनी पिया के हाल चाल पूछे लगलन। चाटू सारी कहानी बतावे शुरू कर दियलन कि आपका एक चेला के एक घंटा पहले जानकारी रहल दूसर की चेला के तीन घंटा पहले जानकारी रहल लेकिन वो लोग कोई तैयारी नहीं की आखिर बात क्या थी। गुरु गुरु जी कहलन कि ये बेटा चाटू एक बात बताई तेरी मस्तिष्क रेखा से बेटा तुहरी नजर में हमार चले मूर्ख लगल हुई है ना लेकिन जान ला बेटा बड़ा बुद्धिमान रहले हमारी नजर में बेटा यही राजा के नगरी में छह घंटा बाद तुहार फांसी हुई तो है बेटा छह घंटा का टाइम बा तू अपने आप के बचाला समझा बुद्धिमान हुआ
चाटू कहलन त हम तोहरी चलवन की ना ना है। अरे ना यहाँ नगरी में रहब ना हमार फांसी। गुरु जी बतावे लगलन का बतौलन मास्टर गीत का लाइन बा वह गीत कलाइन बा कौनो आशिक मिजाज मरद कहत बा हाय रे तेरी हाय रे तेरी हाय रे तेरी पायल करे दिल दीवाना हाय रे तेरी मुझको बुलाया पार हाय रे तेरी हाय रे तेरी हाय रे तेरी पायल करे दिल दीवाना हाय रे तेरी गुरुजी बतावे लगल घटना महावान गुरुजी बतावे लगल कि छह घंटा बाद फांसी तोहरो सुजान जब गुरुजी परमानंद कहलन कि बेटा यही राजा के नगरी में तोहार छह घंटा बाद फांसी हुई चटू भागे लगल जेके ई मालूम हो जाए कि छह घंटा बाद हम मर जाब ओकरी आत्मा पे का गुजरी चटू भागना शुरू कर दिया गीत कलाइन बा मास्टर धोबी यू गीत बा कैसन बा वह गीत बादलवा हमी हो का जरावा बादलवा हमी हो का गड़िया के चुकल जैसे झंखे गाड़ी वनवा बसुला के चुकल लोहा बात के सुन के चाटू बाबू भागा शुरू कर दिले बा तब भागल भागल जावनावा भागल भागल जावनावा जैसे चिड़ैया के घेरल बहेलिया सासत में होला परान जैसा बाबू लंका मघ
जावा भागल भाव हदल जावा नवा भागल भाव परमानंद का बात सुन के चाटू लगे भागे भागते भागते बाबू वो राजा के नगरी को लांग जाता है, सीमा को क्रॉस कर जाता है। लेकिन तबो चाटू का जान सांसत में बा। गीत का लाइन बा यहाँ वो है गीत बा मास्टर है गीत बाप हमारे मुदरी के हो कारनावा हमारे मुदरी के हो कारनावा पिया रही मुनावा गई लेना हमारे मुदरी के हो कारनावा लेकिन आजा कहानी में भाव कितना सुंदर बा चाटू सोचा अपने मनावा चाटू सोचा अपने मनावा कैसे बच है परनवा चाटू सोचा अपने मनावा राजा सीमा गईले डाकी मुड़ के पीछे रहले झांकी पहले खुश जब भइले वो न करी मनावा कैसे बच है पर नवा खुश जब भइले हो वो न करी मनावा कैसे बच है पर नवा ए बाबू भागते भागते चाटू एक पहाड़ी पर पहुंचता है। वहाँ होतकाबा राजा के नगरी को लांग चुका है, सीमा क्रॉस कर चुका है। सोच रहा है, सुकून की सांस ले रहा है कि अब हमार फांसी केहू करे वाला ना बा। पापट का लाइन मास्टर भाई का सोचा चाटू कैसे बचे पर नवा डरिया लागली सोचा कैसे प्राण बचे यही घरिया डरिया लागली अब तकली राजा के नगरिया डरिया लागली बुढ़िया माई गैली एक भेटाई हो चार दिना से भूखी बेटा देता कुछ खियाई हो यहाँ लालन हमारी पे उप करिया डरिया लागली अले के जाता यही था कुछ बाजरिया डरिया लागली
ए बाबू जिस पहाड़ी पर चाटू पहुंचा है उसी झुरमुट के झाड़ी में एक बुढ़िया बैठल बा। कल हे बेटा हमारी पास कोनो बल पौरुष ना बा, लाल हमें कुछ लिया के खिया देता। चाटू कहलन की बुढ़िया माई हमारे गाजा का पुड़िया या चीलम छोड़ के चारे आना हमारी पास ना बा। बुढ़िया कलेस की बेटा तोहें जुगाड़ ना करे के बा, हम एक ठी अंगूठी दे थी बेटा वही बजरिया में बेच के कुछ लिया के हमें खिला दा बेटा। बड़ा एहसान होई बड़ा पुण्य होई लाल। आल्हा कलाइन मास्टर चाटू अंगूठी लेकर के चल देते हैं। अरे वो है बुढ़िया मावाई अले के अंगूठिया चाटू आए जब बजावा। चाटू बाजार में लेके अंगूठी बेचने के लिए आता एक सोनार के दुकान पर जाता है। सोनार जब अंगूठी को देखा पूछा कि ये बेटा ये अंगूठी तूने कहां पाई। कालेज की दादा हुई पहाड़िया पे एक ठी बुढ़ापा बाप वो चल फिर नहीं पाती है भूख से व्याकुल है। वह दिहले सा कि जाके बेटा बाजार में बेच के हमें कुछ लिया दा। जौनी समय अंगूठी के बाबू सुनार देखले बा सोचत बा कि राजा छह दिन पहले पूरी नगर में घोषणा कराए हुवन कि हमरे रानी का अंगूठी खो गईल बा, कोनो चोर चोरा ले गईल बा। अगर वो अंगूठी जौनी चोरे के हाथे पकड़ाई ओके फांसी का सजा दिहल जाई। हो न हो यह चोरवा है उस सोनार राजा के यहां सूचना देता है। राजा की सेना आती है चाटू को पकड़ लेती है। कलेस की चलो ले आते हैं राजा दरबार में। राजा ने पूछा कि बेटा तू ये अंगूठी कहां पाई। कलेस की राजन ये अंगूठी हमें हुई की पहाड़ी पे बुढ़िया मतारी दे रहल। कलन चल बेटा देखा। जौनी समय चाटू देखावे गईलन तो बुढ़िया मतारी वहां ना रहल। राज दरबार में चाटू को सजा सुनाई गई कि चोर को फांसी दी जाएगी। जौनी समय बाबू चाटू को फांसी के तख्त पर ले जाते हैं। चाटू मन ही मन सोचत बा कि बा गुरुजी हम तो बड़ा प्रबंध कैली बड़ी व्यवस्था कैली बचे बिन,
लेकिन आप महापुरुषों की वाणी में कहीं न कहीं दम है। मैं निर्दोष व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूल रहा हूं। राजा कहलन की बेटा तू सोचत का हुआ, तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है? कहलस की हमारा अंतिम ख्वाहिश कुछ हूं ना बा, एक महापुरुष का बाणी सोचत है। खड़ी कलाइन बा मास्टर, गुरु का कहली बचनिया भसकार मितऊ, राजा ने पूछा कि बेटा नहीं तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हें फांसी का दबाव है? कल सिन्हा राजन यही सोच रहा हूं कि गुरु जी ने जो कहा था वो सत्य हुआ, लेकिन आपका नियम कानून आड़े आ रहा है। आप तो हमें फांसी की सजा दे ही रहे हैं, फांसी तो मेरी होगी ही, लेकिन गुरु जी जमन हो वाला बाप, जमन हो वाला बाप केहू ना भाई रोकी, अपने की समतिया के चाटू रहा ठोकी। होली के आगे जगल चावार मीताऊ, गुरु का कहली बचनिया सकार आखिर 6 घंटे होते होते चाटू को बाबू फांसी दे दी गई। अंतिम लाइन में कहना बा मास्टर, लाख लोग चाह लें चाहे बुद्धि विवेक बल सामर्थ सारी व्यवस्था या प्रबंध कर लें, लेकिन जो होने वाला है महाबली व्यक्ति भी होनी से लाचार हो जाता है। स्वामी गुरु और रामधारी जवाहर जी गुणकारी, कथन करें कविलाल बहादुर जवाहर जी गुणकारी, होली के कहू न रोक की बचवा, पन्ना न है दुनिया के तनो ताकत झोंकी होली।